मैटर है जो देखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि हमें संकेत कर रहा है अभी एक कि 2022 के 23 के करीब हमें मतलब कि कुछ एक बहुत बड़ा घटना देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तराखंड, जो भारत का उत्तराखंड जो राज्य था, उत्तराखंड में जो हिम संकलन हुआ है, बहुत से मतलब लोग उसमें मतलब अभी घायल हो गए हैं, बहुत से लोग उसमें मर गए, तो काफ़ी दुख है उसके लिए। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए 2019 में हम बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट आया हुआ था कि यहाँ का जो ग्लेशियर है, हो सकता है नंदा देवी ग्लेशियर, वो पिघलने का रिपोर्ट 2019 में ही प्रकाशित हुआ था। लेकिन उस समय लोग इस पर काफ़ी ध्यान दिए नहीं, और ध्यान नहीं दिए उस रिपोर्ट के, कहे अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा अभी तो नहीं होगा, दो साल, चार साल, दस साल, बीस साल के समय सोचने लगे। ये नहीं देखे कि मतलब कि यहाँ जो भी होगा काफ़ी जल्दी, मतलब कि रिपोर्ट 2019 में आया हुआ था, समझ सकते हैं, और 21 में जा करके यहाँ हिम संकलन हो गया, ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब कि वहाँ से जो ग्लेशियर था वो ग्लेशियर पूरा टूट गई, टूट करके गिर गई, धीरे धीरे तो पिघल ही रही थी, वो टूट कर नीचे गिर गई। इसमें बहुत से लोग मरे हैं और बहुत से अभी भी मतलब घायल है, अभी खोजा जा रहा है, रेस्क्यू अभी जारी है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनके प्रति संवेदना प्रकट करें, और जो उसमें अभी जो घायल हैं, जिसकी खोजबीन की जा रही है, चाहेंगे कि प्रार्थना करें कि वह सही सलामत अपने फैमिली तक पहुंच जाए। धन्यवाद।